हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रिक्स आई एम असित कुमार वी विल डिस्कस इन द लेक्चर नंबर एट अबाउट द अर्थ स्टेशन सेटेलाइट अर्थ स्टेशन एंड द टाइप ऑफ अर्थ स्टेशन एंड आल्सो वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर अबाउट द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ अर्थ स्टेशन तो अर्थ स्टेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि अर्थ स्टेशन होता क्या है एंड अर्थ स्टेशन इज अ कलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड ऑन द अर्थ सरफेस विच एनेबल्स टू कम्युनिकेट ओवर वन आर मोर सेटेलाइट इन द स्पेस तो अर्थ स्टेशन क्या चीज़ है एक तरीके से ये क्या है एक कलेक्शन है इक्विपमेंट्स का अर्थ स्टेशन हमारा अर्थ सरफेस पर होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं मीन्स अ कलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स इंस्टॉल ऑन द अर्थ सरफेस, विच इनेबल्स टू कम्युनिकेट जो कि कम्युनिकेट करता है ओवर वन आर मोर सेटेलाइट इन द स्पेस जो कि स्पेस में किसी एक या बहुत सारी सेटेलाइट से कम्युनिकेट करता है उसे हम अर्थ स्टेशन कहते हैं अर्थ स्टेशन बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ अर्थ स्टेशन टाइप ऑफ अर्थ स्टेशन द अर्थ सेगमेंट ऑफ़ सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम मेनली है फर्स्ट वन इज ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन एंड द सेकेंड वन इज रिसीविंग अर्थ स्टेशन तो पहला क्या है ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन तो ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन में क्या होता है द ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन ट्रांसमिट्स द इन्फॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम द अर्थ टू सेटेलाइट एंड द रिसीविंग अर्थ स्टेशन क्या होता है रिसीविंग अर्थ स्टेशन रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम द सेटेलाइट टू द अर्थ और एक और चीज़ होती है कि समटाइम्स कभी कभी क्या होता है द सेम द सेम अर्थ स्टेशन कैन बी यूज फॉर बोथ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीव परपजेज तो इसके आगे हम लोग अब थोड़ा डिस्कस करेंगे कि बेसिक ब्लॉक डाइग्राम ऑफ अर्थ स्टेशन क्या है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ अर्थ स्टेशन हम लोग समझ लेते हैं ये आपका ब्लॉक डायग्राम है ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है जो हम अर्थ स्टेशन में जो जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें कौन कौन से सब सिस्टम्स यानी उसमें होते हैं अर्थ स्टेशन में वो हम यहाँ पर देखेंगे बेसबैंड सिग्नल जो हमारा इनपुट सिग्नल है जिसको हमें अपलिंक करना है सेटेलाइट में जिस सिग्नल को वो हम यहाँ से इनकोडर में फेड करते हैं बेसबैंड सिग्नल क्या होता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी बेस बैंड सिग्नल इनपुट इनकोडर में गया इनकोडर से फिर आपका मॉड्यूलेटर में जाएगा मॉडलेटर से फिर उसके बाद अप कन्वर्टर में जाएगा अप कन्वर्टर से फिर हाई पावर एम्पलीफायर लगा होता है उसमें जाएगा फिर ये हाई पावर एम्पलीफायर जो सिग्नल है वो थ्रू एंटीने के थ्रू वो सेटेलाइट में ट्रांसमिट हो जाता है तो ये हमारा जो ये ट्रांसमीटर है ट्रांसमीटर सेक्शन है ये अर्थ स्टेशन का तो जो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इनकोडर अप अपकनवर्टर हाई पावर एम्पलीफायर एंड एंटीना सेकेंड है जो हम सैटेलट से जिस सिग्नल को हमें रिसीव करना है वो हम सेम एंटीने से रिसीव कर रहे हैं उसी अर्थ स्टेशन पर तो उसमें क्या होगा कि जो डाउनलिंक सिग्नल हमारा आ रहा है वो पहले लो नॉइज़ एम्पलीफायर एल में जाएगा फिर उसके बाद डाउन कन्वर्ट होगा वो सिग्नल फिर डी होगा फिर डिकोड होगा फिर हमें ओरिजिनल बेस बैंड सिग्नल आउटपुट में मिल जाएगा तो यानी अगर डाउनलिंक की बात करें इसको हम रिसीवर एंड बोलते हैं तो रिसीवर में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं एक तो एल लो नॉइज़ एम्पलीफायर और फिर उसके बाद डाउन कन्वर्टर होता है फिर डी मोडोलेटर होता है फिर डिकोडर होता है और एंटीने को ट्रैक करने के लिए एक ट्रैकिंग सब सिस्टम होता है वो उससे हम जो है एंटीने को ट्रैकिंग करते हैं तो ये बेसिक ब्लॉक डाइग्राम है आपका अर्थ स्टेशन का अब इसके जितने भी सब सिस्टम्स लगे हुए हैं यानी जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं जो इक्विपमेंट जो डिवाइसेस इसके अंदर होती हैं उसको हम डिटेल से एक वन बाय वन जो है हम आपको समझाएंगे द फर्स्ट टर्म इज बेस बैंड सिग्नल वॉट इज बेस बैंड सिग्नल लेट्स डिस्कस द सिग्नल इन इट्स ओरिजिनल आर अनमोडूलेटेड फॉर्म इज नोन एज बेस बैंड सिग्नल जो सिग्नल जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म में होता है द सिग्नल मीन्स इट कैन बी ऑडियो वीडियो और डेटा जो सिग्नल है वो हमारा क्या हो सकता है ऑडियो आर वीडियो आर डेटा कोई भी चीज़ हो सकता है तो द सिग्नल इन इट्स ओरिजिनल आर मॉडलेटेड फॉर्म इज़ नोन एज बेसबैंड सिग्नल बेसबैंड सिग्नल कैन बी एनालॉग आर डिजिटल तो बेसबैंड सिग्नल दो तरीके के हो सकते हैं या तो एनालॉग हो सकता है या डिजिटल हो सकता है एनालॉग क्या होता है कंटिन्यूस इन नेचर एंड डिजिटल इज डिस्क्रीट इन नेचर तो एनालॉग जैसे एनालॉग सिग्नल ये जैसे एनालॉग है तो ये कंटिन्यूस इन नेचर मींस ये जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये इस तरीके का कुछ ये सिग्नल होता है जो इसका फॉर्म होता है सिग्नल फॉर्म और जो डिजिटल सिग्नल होता है वो उसका डिस्क्रीट इन नेचर मींस इस तरीके का होता है ये इन डिजिटल फॉर्मेट डिजिटल फॉर्म मीन्स जीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन इस फॉर्मेट में तो एनालॉग सिग्नल में इसके क्या एडवांटेजेस हैं एनालॉग सिग्नल के एक तो पहली चीज़ है कि एकूरेसी इसकी अच्छी होती है एनालॉग सिग्नल इज़ एकूरेट एंड सिंपल एंड थर्ड वन इज़ लेस बैनविट ये जो है जब हम सिग्नल को इनपुट सिग्नल देते हैं तो ये इसकी एकूरेसी बहुत अच्छी होती है दूसरा जो है सिंपल होता है और तीसरा जो है इसका बैंडविड बहुत ही कम कंज्यूम करता है दूसरा इसका क्या है डिसएडवा डिसएडवांटेज क्या है इसका ये नॉइज़ ज़्यादा क्रिएट करता है मींस इसमें नॉइज क्रिएशन जो है हो सकता है तो एनालॉग सिग्नल कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन और इसकी एक ख़ास बात और होती है एनालॉग सिग्नल की कि एनालॉग सिग्नल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिटल सिग्नल में ट्रांसमिशन के लिए हम इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं दिस इज ऑल अबाउट एनोलॉग सिग्नल नाउ कम्स टू डिजिटल सिग्नल राइट डिग्नल डिजिटल सिग्नल वेब फॉर्म इज़ लाइक दिस एंड द डिजिटल सिग्नल इज़ अ कोडेड वर्जन ऑफ द औरिजिनल डेटा जो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है यानी बेसबैंड सिग्नल होता है उसमें जो आ, इसको कोडेड फॉर्म में होता है जैसे हमारा एनालॉग में क्या है वो सिंपल जो है वेब फॉर्म ये हो रहा है जो कि कंटिन्यूस इन नेचर में है लेकिन जो डिजिटल होता है वो डिस्क्रीट नेचर में होता है और ये कोडेड फॉर्म में होता है राइट डिजिटल सिग्नल इज अ कोडेड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल डेटा आर एनालॉग सिग्नल तो एनालॉग सिग्नल भी हो सकता है और ये ओरिजिनल डेटा को कोडेड फॉर्म में कर सक कन्वर्ट uh, करता है तो ये चीज़ है आपका एनालॉग एंड डिजिटल जो सिग्नल्स हैं बैंड सिग्नल में दो तरीके के सिग्नल होते हैं तो हमने एनालॉग एनालॉग सिग्नल का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में देखा अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डिजिटल सिग्नल के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं डिजिटल सिग्नल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज dis के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं डिजिटल सिग्नल के लेस एक्सपेंसिव है ये इन कंपेरिजन टू एनालॉग मोर रिलायबल है एंड ईजी टू मैनिपुलेट फ्लेक्सिबल है सिक्योरिटी ड्राइवन uh, है और डिजिटाइज इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेशन होता है जो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मीन्स ट्रांसमिटन जो टी एस इसकी होती है वो डिजिटाइज इंफॉर्मेशन के फॉर्म में होती है इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं डिसएडवांटेजेस हैं जैसे मोर बैंडविड्थ कंज्यूम करता है और सैम्पलिंग एरर समटाइम्स क्रिएट्स कॉम्प्लेक्स सर्किटरी इसकी होती है समटाइम्स स्क्रीट्स सिंक्रोनाइजेशन एर तो ओवरऑल वी कैन से दैट डिजिटल सिग्नल आर बेटर दैन एनालॉग सिग्नल तो बिकॉज ऑफ वेरियस एडवाटेजेस ओवर एनालॉग सिग्नल तो एनालॉग सिग्नल के ऊपर अगर हम इसको देखा जाए तो डिजिटल सिग्नल के बहुत सारे एडवांटेजेज हैं सो हैंस वी कैन से दैट द डिजिटल सिग्नल इज़ बेटर दैन एनालॉग सिग्नल एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि द विज़अल इंफॉर्मेशन जो विजुअल इन्फॉर्मेशन जो कलर टी बी में होता है इस ट्रांसमिटेड एज थ्री कम्पोनेंट्स डिनोटेड एज वाई आई एंड क्यू जो हमारा कलर टी बी होता है उसमें जो कम्पोनेंट्स होते हैं जो विजुअल इंफॉर्मेशन हमें जो कलर टीवी पे मिलता है किसी भी पिक्चर में तो वो उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं वाई आई एंड क्यू मतलब जो कि ये बेस बैंड सिग्नल का ही एक हिस्सा है तो वाई जो है डिनोटेड होता है लेमिनेंस के रूप में लेमिनेंस कहते हैं इसको और आई एंड क्यू जो है वो क्रोमिनेंस कंपोनेंट होता है तो जो हमारा कलर सिग्नल जो होता है टी के लिए जो हम बेस बैंड सिग्नल में यूज करते हैं उसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं वाई आई एंड क्यू राइट तो वाई आई एंड क्यू ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कलर टी के लिए और क्रोमिनेंस सिग्नल का जो बैंडविड्थ होता है इज़ वेरी लेस दैन दैट ऑफ ल्यूमिनेंस सिग्नल सिंस आई कैन रिजॉल्व इंटेंसिटी बेटर दैन कलर्स राइट तो इसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन है आपका बेस बैंड सिग्नल आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि बेस बैंड सिग्नल क्या होता है तो इसके आगे नेक्स्ट पार्ट होता है जो ट्रांसमीटर में बेस बैंड सिग्नल हमारा आ गया इनकोडर में अब इनकोडर के पार्ट को हम आगे देख लेते हैं सिग्नल के बाद आता है इनकोडर तो इनकोडर का क्या फंक्शन है इनकोडर बेसिकली क्या करता है जो बेस बैंड सिग्नल जो इसमें पास होता है तो बेस बैंड सिग्नल बेस बैंड सिग्नल क्या हो सकता है हमने जैसा आपको बताया कि वो एनालॉग हो सकता है या डिजिटल फॉर्म हो सकता है तो बेस बैंड सिग्नल ऑडियो वीडियो या डेटा कोई भी हो सकता है पास पासिस थ्रू इनकोडर वो इनकोडर से पास करता है इनकोडर इनकोडेड द सिग्नल जो बेस बैंड सिग्नल आया उसको इनकोड करता है यूजिंग बाइनरी एनगो बाइनरी एल्गोरिथम में उसको यूज करके वो इनकोड करता है इन द फॉर्म ऑफ जीरो आर वन मतलब डिजिटल फॉर्मेट में एंड कंप्रेसेस द लार्ज डेटा फाइल और इनकोडर कंप्रेस भी करता है जो लास्ट डेटा फाइल्स रहती हैं उनको कंप्रेस भी करता है इट आल्सो डू एरर करेक्शन बिट टू मिनिमाइज बी ई आर बिट एरर रेट और ये बी आर को मिनिमाइज करने के लिए बिट एरर रेट को मिनिमाइज करने के लिए इनकोडर uh, का यूज होता है तो इनकोडर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारा कम्युनिकेशन uh, में तो इनकोडर के लिए मैं एक अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम इनकोडर के जितने भी डिटेल्स हैं क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं वो सारी चीज़ें मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा फ़िलहाल इस ब्लॉक डाइग्राम में इनकोडर को आप ये समझ लीजिए कि बेसबैंड सिग्नल जो पास होता है इनकोडर में वो इनकोड करके फिर आगे बढ़ता है नेक्स्ट पार्ट आता है आपका मॉडुलेटर द मॉडुलेटर मॉडुलेट्स द सिग्नल यूजिंग इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी आई एफ इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी को यूज करके वो जो है सिग्नल को मॉडुलेट करता है तो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी जो स्टैंडर्ड होती है वो 70 मेगा होती है बाय यूजिंग अ 36 हैर्ड जो हमने बताया था आपको कि जो ट्रांसपोंडर होता है एक ट्रांसपोंडर 36 मेगाहर्ट्ज का होता है तो उसमें जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होती है वो 70 मेगाहर्ट्ज होती है सिमिलरली इट कैन बी चूजन इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी 140 फोर्टी मेगा हर्ट्स बाई यूजिंग ए ट्रांसपोंडर हैविंग बैंडविड्थ ऑफ 54 फोर मेगा हर्ट्स आर सेवेंटी टू तो इसका कुल मिलाकर के जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होती है उसका जो रेंज होता है वो 70 प्लस माइनस 140 फोर्टी मेगा हर्ड्स होती है तो मॉडोलेटर क्या करता है मॉडोलेटर मॉडलेट्स द सिग्नल यूजिंग इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी बाई हैविंग द बैंडविथ ऑफ 36 सिक्स मेगा हर्ज अगर हम यूज कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है उसको भी हम डिटेल में समझ लेते हैं कि इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी का क्या काम है हाउ हाउ इट वर्कस इन द मोडोलेटर तो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी क्या होती है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी विच इज़ डिनोटेड बाय आईएफ। इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी इज अ फ्रीक्वेंसी टू विच अ कैरियर वेव सी डब्ल्यू इज शिफ्टेड एज एन इंटरमीडिएट स्टेप इंटरमीडिएट स्टेप में जब ये कैरियर वेव शिफ्ट होता है इन द ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ट्रांसमिशन जब होता है या रिसेप्शन होता है तो जो कैरियर वेव हमारा होता है जब वो इंटरमीडिएट स्टेप में शिफ्ट होता है दैट फ्रिक्वेंसी इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी राइट तो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी हमने बताया कि 70 मेगा हर्ट से लेके प्लस माइनस 140 फोर्टी मेगा हर्ड्स होती है तो कैरियर वेव क्या होता है इसमें एक टर्म आया कैरियर वेव तो कैरियर वेव क्या होता है कैरियर वेव इज अ सिग्नल आर वेव फॉर्म यूजअली साइनसोडल साइनसोइडल होता है मतलब कैरियर वेव जो होता है वो एक तरीके से जो सिग्नल को कैरी करता है तो कैरियर वेव इज अ सिग्नल आर वेव फॉर्म वेव फॉर्म यूजल वो साइनोसोडल होता है साइनोसॉइडल कुछ इस तरीके से होता है तो साइनोसोडल फॉर्म दैट इज दैट इज मॉडोलेटेड आर मॉडिफाई विद एन इंफॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल तो कैरियर वेव क्या होता है जैसे हमारा ये वेव फॉर्म है जो ये साइनस वेव फॉर्म है तो यहाँ कुछ इस तरीके से समझते हैं जैसे ये आपका डायग्राम है तो ये हमारा कैरियर है ये हमारा कैरियर है दिस इज योर सेंटर फिक्वेंसी विच इज़ डोनेटेड बाय एफ सी और ये है हमारा कैरियर वेव और ये जो साइड में होते हैं इसको साइड में जो होता है उसको हम साइड बैंड बोल देते हैं और ये हमारा टोटल बैंडविड्थ है कितने बैंडविड्थ का हमारा कैरियर है उस उसको ये रिप्रेजेंट करता है तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कैरियर वेव इज अ सिग्नल आर वेव फॉर्म यूजुअली साइनस ऑर्डल दैट इज मॉडुलेटेड आर मॉडिफाई विद एन इंफॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल तो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी में जो कैरियर वेव होता है ये हमने समझ लिया द इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी इज क्रिएटेड बाय मिक्सिंग द कैरियर सिग्नल विद अ लोकल आसेलेटर सिग्नल इन आ प्रोसेस कॉल्ड हेट्रोडाइंग तो जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होती है वो किस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो इज़ अ क्रिएटेड बाय मिक्सिंग द कैरियर सिग्नल जो कैरियर सिग्नल होता है वो विद लोकल ऑसिलेटर जो फ्रिक्वेंसी होती है दोनों को मिक्स करने पर जो मिक्सर लगा होता है हमारा और फिर उसके बाद एक लोकल ऑसिलेटर लगा होता है ठीक है तो जो लोकल आसिलेटर और मिक्सर होता है वो दोनों को मिक्स करने पर हमें जो है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट होती है इस प्रोसेस को जो है हम हेट्रोडाइन कहते हैं तो थोड़ा सा और जान लेते हैं कि लोकल आसिलेटर क्या होता है और हेट्रोडाइन क्या होता है उसको थोड़ा सा मैं डिक्टेट करता हूँ उससे पूरा समझ में आ जाएगा तो लोकल एसिलेटर और मिक्सर क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं लोकल एसेलेटर एलओ क्या होता है लोकल ऑसिलेटर इज एन ऑसिलेटर यूज्ड विद अ मिक्सर जो कि मिक्सर के साथ यूज होता है टू चेंज द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ सिग्नल किसी भी फ्रिक्वेंसी को चेंज करने के लिए जैसे मान लीजिए अपलिंग फ्रिक्वेंसी हमारी सिक्स मेगा है और फिर डाउनलिंग फ्रिक्वेंसी हमारा जो है फोर मेगा हर्ड्स होता है तो जैसा कि हमने ट्रांसपोंडर में भी बताया था कि मिक्सर और जो है लोकल ऑसिलेटर पार्ट उसमें होता है तो जो फ्रिक्वेंसी का कन्वर्जन होता है वो मेनली यहीं पर होता है तो लोकल एसिलेटर जो है वो मिक्सर के साथ जो है फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है और जो ये प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं हेट्रोडाइन तो जो हमने बताया आपको पहले कि हेट्रोडाइन दिस फ्रिक्वेंसी कन्वर्जन प्रोसेस इज़ कॉल्ड हेट्रोडाइन तो मिक्सर और लोकल एक्सीटर एक तरीके से अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उसको एक तरीके से फ्रिकुंसी कन्वर्टर भी बोला जा सकता है राइट right? तो मिक्सर प्लस लोकल ऑसिलेटर वो एक तरीके से फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर की तरह काम करता है इसका जो डायग्राम है ये जैसे मिक्सर है तो मिक्सर को का जो सिंबल या नोटेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है ये है आपका मिक्सर फ्रिक्वेंसी मिक्सर जो इनपुट सिग्नल यहाँ से आया इनपुट सिग्नल इनकोडर से आया मॉडोलेटर में तो मोडलेटर में काम क्या होता है तो ये क्या करेगा जो मॉडोलेटर के अंदर जो मिक्सर और लोकल ऐसीटर है ये दोनों सिग्नल जो लोकल ऑसिलेटर सिग्नल है 70 प्लस माइनस 140 फोर्टी पे जो आ रहा है और दूसरा जो सिग्नल यहाँ से आ रहा है ये मिक्सर में दोनों कंबाइन होगा फिर इससे क्या होगा एक आउटपुट फाइनल निकलता है आउटपुट सिग्नल निकलेगा तो मिक्सर क्या होता है मिक्सर है टू सिग्नल्स आर अप्लाइड टू मिक्सर एंड प्रोड्यूस न्यू आउटपुट सिग्नल दो जो है सिग्नल दो सिग्नल जो है आपके इसमें आएंगे और फिर मिक्स होंगे फिर उससे एक आउटपुट सिग्नल निकलेगा टू सिग्नल्स आर अप्लाइड टू मिक्सर एंड प्रोड्यूस न्यू आउटपुट सिग्नल एट द सम आर डिफरेंस ये क्या हो सकता है एक तरीके से दोनों का सम हो सकता है या फिर इसका डिफरेंस हो सकता है आप द ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी और ये जो प्रोसेस होता है ये टोटल प्रोसेस जो होता है उसी को हम हेट्रोडाइन कहते हैं यानी कि फ्रिक्वेंसी का जो कन्वर्ज़न होता है जो आउटपुट सिग्नल यहाँ पर हमें फाइंड आउट होता है इस फ्रिक्वेंसी कन्वर्जन को ही हैट्रोडाइन कहते हैं राइट right? तो ये हमारा हो गया लोकल असिलेटर मिक्सर इसको हमने इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है समझाया है कि होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारा मिक्सर और लोकल एसिलेटर कैसे वर्क करता है मॉड्यूलेटर में तो फाइनली जो हमारा सिग्नल मॉड्यूलेटर से निकलेगा वो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी यानी कि आई सिग्नल निकलेगा फिर वो आगे कौन से पार्ट में जाता है वो फिर अप कन्वर्टर में जाता है तो अप कन्वर्टर क्या होता है उसको भी समझते हैं नेक्स्ट पार्ट आता है अपकन्वर्टर जैसा कि इसके नेम में ही लिखा है अपकन्वर्टर मीन्स इसका जो कन्वर्जन है वो ऊपर की तरफ होता है एंड अप कन्वर्टर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल टू हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल इन अ अटेलाइट कम्युनिकेशन तो अब कन्वर्टर काम क्या काम है इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लोअर फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है हैंस वी कैन से दैट द इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी विच केम फ्रॉम द मॉड्यूलेटर इज़ कन्वर्टेड टू आर एफ रेडियो फ्रिक्वेंसी बाई यूजिंग कन्वर्टर तो कन्वर्टर में क्या होता है जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी जो होती है वो आर एफ रेडियो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट होती है थ्रू अप कन्वर्टर तो ये कैसे होता है ये जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको डायग्राम में कि ये मिक्सर है हमारा इनपुट वन आया आर एफ सिग्नल और दूसरा इनपुट टू आया आपका लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी सेवेंटी मेगा पर तो जो ये इनपुट वन और इनपुट टू ये मिक्स करेगा यानी कि प्लस आर माइनस जो भी होगा तो ये करके फिर हमारा फाइनल जो है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी यहाँ से प्रोड्यूस होगा तो जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आउटपुट आया वो हमारा कन्वर्टर में गया और अप कन्वर्टर इस इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी को रेडियो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करके फिर वो आगे भेज देता है तो जो हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी है जो आर एफ फ्रिक्वेंसी है यानी कि आर एफ सिग्नल जो हमारा होता है वो फिर नेक्स्ट सेक्शन में जाता है जिसको हम बोलते हैं एच पी ए हाई पावर एम्पलीफायर तो हाई पावर एम्पलीफायर क्या होता है वो भी इसके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कि हाई पावर एम्पलीफायर क्या करता है इस आर सिग्नल को हाई पावर एम्पलीफायर एच जिसको बोला जाता है तो जो आर सिग्नल अप कन्वर्टर से आया वो फिर फेड होता है हाई पावर एम्पलीफायर में आर सिग्नल मीन्स रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर जो आर एफ होते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर इज अ डिवाइस विच इंक्रीजेज द पावर आप द आर एफ सिग्नल जो आर एफ सिग्नल हमें मिलता है उसका जो पावर लेवल है उसको इंक्रीज करता है मीन्स बूस्ट करता है इंक्रीजेज मीन्स बूस्ट द सिग्नल और किस फॉर्म में बूस्ट होता है वो सिग्नल इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करेंट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करेंट और जो हाई पावर एम्पलीफायर होता है वो कई तरीके के होते हैं एक तो एच पी ए सेल्फ होता है हाई पावर एम्पलीफायर दूसरा हमारा होता है एस एस पी ए सॉलिड स्टेट पावर एम्पलीफायर तीसरा होता है टी डब्ल्यू टी ए ट्रेवलिंग वेब ट्यूब एम्पलीफायर तो ये इन सारी चीज़ों को यूज करके हम जो है जो हमारा फाइनल सिग्नल जो एम्पलीफाइड सिग्नल होता है वो फिर एंटीना में फिट होता है फाइनली द एम्पलीफाइड सिग्नल आर एफ सिग्नल जो है फिट टू एंटीना बाय थ्रू यूजिंग वेब गाइड और वेब गाइड से वो जो है एच पी ए कनेक्ट होता है एंटीने में तो हाई पावर एम्पलीफायर एस एस पी और टी डब्ल्यू टी ए में से हम पावर को इंक्रीज करते हैं और जो एच है वो जो पावर जो होता है वो हमारा वाटर्स में होता है या डी में होता है या डी में होता है तो इसको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि जो पावर हमारा होता है वो किस तरीके से फार्मूलेट होता है वो थोड़ा बहुत उसको जान लेते हैं तो हाई पावर एम्पलीफायर जो एच होता है उसमें पावर का कैलकुलेशन कैसे होता है ये आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं देखिए इसमें ध्यान से इसको देखिएगा जनरली द यूनिट ऑफ पावर मेजर्ड इन वाट जो एच पी ए का जो पावर है वो हम जनरली जो है वाटेज में देखते हैं कि कितने वॉट पावर पम्प हो रहा है हाई पावर एम्पलीफायर से तो इसका सिंपल कैलकुलेशन ये है कि अगर हम वॉट में देखें कितना जैसे वन वॉट है तो कितने डी बी एम पावर जो है हमारा यूज हो रहा है डी बी एम में अगर हम देखना चाहें तो वन वॉट इज इक्वल टू थर्टी डी बी एम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आ सकता है क्वेश्चन जैसे वन वॉट इज इक्वल टू 30 dBm बी एम होता है जस्ट एड थ्री डी बी एम इफ़ द पावर नीडेड टू बी डबल अगर वन वाट से टू वाट अगर पावर करना है तो हमें सिर्फ थ्री डी बी जो है इसमें ऐड करना होगा यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे टू वाट अगर पावर हमें एच पी ए से पम्प करना है तो कितने डी बी एम होगा थर्टी और प्लस थ्री यानी कि थर्टी थ्री डी बी एम अगर हमें इसका जस्ट डबल यानी कि फोर वॉट पावर पंप करना है तो 33 थ्री प्लस थ्री डी बी एम इज इक्वल टू थर्टी सिक्स डी बी एम यानी अगर फोर वॉट पावर पंप अगर एच पी हाई पावर एम्पलीफायर से हो रहा है तो यानी कि थर्टी सिक्स डी बी एम हमारा पावर हो रहा है एंड सो ऑन हम देख सकते हैं तो अगर हमें पावर का अगर फार्मूला हम देखें कि, कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं तो वो ये है पावर इन डी बी एम इज़ टू टेन लॉग पावर इन वॉट w अपान टेन ई टू द पावर माइनस थ्री अब अगर सपोज करिए कि हमें वन वॉट पावर को डी में मेजर करना है जैसे वन वॉट इज इक्वल टू थर्टी डी तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जैसे टेन डी बी टेन लॉग और वॉट जो है वन वॉट के लिए कर रहे हैं पावर तो वन वॉट यहाँ पर आ गया वन अपन टेन टू दावर माइनस थ्री वन यानी कि टेन लॉग वन अपॉन टेन टू द पावर माइनस थ्री यहाँ पर हो जाएगा वन वाट के लिए अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे टेन लॉग टेन टू द पावर इसको ऊपर अगर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में टेन टू द पावर थ्री इज इक्वल टू टेन फिर ये इधर आ जाएगा थ्री लॉग टेन यानी कि टेन इंटू थ्री लॉक टेन इज इक्वल टू थर्टी और थ्री टेन इंटू थ्री इज इक्वल टू थर्टी हो गया फिर उसके बाद log टेन इज इक्वल टू वन यानी कि थर्टी इंटू वन इज इक्वल टू थर्टी डी बी एम तो जो वन वॉट हमारा पावर जो हम मेजर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं थर्टी डी बी एम में कर रहे हैं तो ये सिंपल कैलकुलेशन ये यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया तो इस तरीके से हम वॉट अगर कितना भी वॉट है उसको यहाँ पर हम डाल करके उस वैल्यू को और कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वो हमारा एक वाट में कितना डी बी एम होगा तो ये रहा आपका हाई पावर एम्पलीफायर का जो पावर कैलकुलेशन है उसको करेंगे फिर उसके बाद जो हाई पावर एम्पलीफायर से जो हमारा एम्पलीफाइड सिग्नल है वो वेब गाइड के थ्रू फिर कहाँ जाता है वो एंटीने में जाता है और एंटीने से फिर वो ट्रांसमिशन हो जाता है अर्थ स्टेशन टू सेटेलाइट यानी स्पेस में चला जाता है उस सिग्नल को तो एंटीने के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर उसके बाद रिसीविंग सेक्शन यानी कि रिसीव पार्ट जो है डिस्कस करते हैं कि वो कैसे कैसे होता है फाइनल पार्ट है वो आता है एंटीना जो हमारा जब आर जो सिग्नल है वो फिर एंटीने के थ्रू फिर स्पेस में सेटेलाइट के पास जाता है फॉर फर्दर कम्युनिकेशन तो एंटीना क्या होता है एंटीना आर यूज़ टू ट्रांसमिट एंड रिसीव द रेडियो फ्रिकुनसी सिग्नल यानी एंटीने को हम ट्रांसमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और रिसेप्शन के लिए भी यूज होता है तो एंटीने से जो है हम सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे या रिसीव करेंगे जो हमारी रेडियो फ्रिकुनसी सिग्नल है फाइनली आवर आर एफ सिग्नल फाइनली जो हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है आर एफ सिग्नल ट्रांसमिशेड टू स्पेस बाई यूजिंग एंटीना विच इज़ डायरेक्टेड टू विद अप्रोपिएट प्रियट पोलराइजेशन एलक्ट्रोमैग्नेटिक वेब्स पोर्ट ऑफ द एंटीना फीड हॉन तो वो क्या होता है फाइनली जो हमारा जो एंटीना होता है वो जो फुल्ली जो है डायरेक्टेड होता है टूवर्ड्स द सेटेलाइट तो वो उससे क्या होता है हमारा जो आर एफ सिग्नल है वो जो है फिर ट्रांसमिट होता है और उसमें कौन सा अप्रोप्रिएट पोलराइजेशन होता है यानी हॉरिजेंटल या वर्टिकल पोलराइजेशन यूज होता है वो हम इसको बाद में एक अलग से उस लेक्चर में डिटेल में बताएंगे पोलराइजेशन के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे पोर्ट ऑफ द एंटीना फीडहॉर्न और फीडहॉर्न के थ्रू ये जो है फिर आ, रिफ्लेक्टर जो एंटीना में होता है वो सारी चीज़ें फिर एंटीना का भी हम अलग से एक लेक्चर बताएंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एंटीना क्या होता है कितने टाइप्स के होते हैं पोलराइजेशन क्या होता है वो सब चीज़ें एक अलग हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे आपको तो ये फाइनली जो आरएफ सिग्नल है वो ट्रांसमिट होकर के जो सेटेलाइट में जाता है स्पेस में फिर वहाँ से हम डाउन डाउन कन्वर्ट सिग्नल करते हैं तो ये हमारा सारा जो है ट्रांसमीटर पार्ट हो गया जो अर्थ स्टेशन का ट्रांसमिशन पाथ हो गया इसी का जस्ट उल्टा होता है हमारा रिसीवर यानी कि रिसेप्शन पार्ट तो जो रिसीवर पार्ट होता है वो भी डिस्कस करते हैं शॉर्टकट करत में कि वो उसका क्या होता है तो हमारा सिग्नल जो ट्रांसमिट हो गया था अब हम उसको सेटेलाइट से रिसीव कैसे करेंगे एंटीना जैसे हमारा है वो आया यहाँ से सिग्नल आपका एंटीने में एंटीने से फिर हमारा क्या होता है एलएनए लगा होता है लो नॉइज़ एम्पलीफायर वो क्या करता है जो वीक सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करता है फिर हमारा एक पार्ट होता है एल होती है वो क्या करता है लो नॉइज़ ब्लॉक एम्पलीफायर उस जो पर्टिकुलर सिग्नल जो रिक्वायर्ड होता है उस उसमें जो है कन्वर्ट करता है फिर वो सिग्नल हमारा डाउन कन्वर्टर में जाता है वहाँ पर हम अप कन्वर्टर यूज़ कर रहे थे ट्रांसमीटर में यहाँ पर डाउन कन्वर्टर यूज़ करेंगे फिर उसके बाद वहाँ मॉडोलेटर यूज कर रहे थे यहाँ रिसीवर पार्ट में हम क्या करेंगे डी मॉडोलेटर यूज करेंगे फिर फाइनली जो है हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो डिकोडर के थ्रू जो है आउटपुट बेस बैंड सिग्नल हमें रिसीव हो जाता है तो ये सारा चीज जो ये पार्ट होता है वो हमारा रिसीविंग पार्ट हो गया ये तो ये सारा रिसीविंग पार्ट है डिकोडर और इनकोडर के बारे में हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे आपको इनकोडर क्या होता है डिकोडर क्या होता है उसको डिटेल से बताएंगे। एंटीने का भी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इनकोडर के बारे में बताएंगे आपको और वन मोर थिंग कि जो जो सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम द रिसीव्ड फ्रॉम द सेटेलाइट इज एम्प्लीफाइड इन एंड एन फर्स्ट एंड द डाउन कन्वर्टेड फ्राम द डाउनलिंग फ्रिक्वेंसी फिर वो डाउन कन्वर्ट होता है डाउन कन्वर्टर के थ्रू इट इज़ देन डी मोडलेटेड एंड डिकोड बाई द डी मोडोलेटर एंड डिकोडर फिर हमारा ओरिजिनल सिग्नल रिसीव हो जाता है तो ये सारी चीज़ें तो हमारा इसमें जान लिए अब हम प्रोपोगेशन डिले या जो रिसीविंग जो डिले होता है जो सिग्नल को हम यहाँ से आ, एर्थ से सेटेलाइट में पहुँचाते हैं फिर सेटेलाइट से हमारा जो रिसीविंग uh, सिग्नल होता है यानी कि ये ट्रांस हुआ फिर ये रिसीव हुआ इसमें कितना डिले होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इनकोडर और डिकोडर का अलग से हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे एंटीने का भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीना फिर उसके बाद इसमें पोल का पोलराइजेशन uh, का डिस्कशन uh, करेंगे ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया अब इस वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं तो आज का हमारा ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार